फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोग मून लाइटिंग के बारे में जो है चर्चा करेंगे। अभी हाल में ही विप्रो कंपनी के द्वारा 300 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के कारण से मून लाइटिंग अभी चर्चा में था। ज़्यादातर लोग मून लाइटिंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अलग किस्म का नाम है, जिसको सुनकर के लगेगा कि शायद ये चीज़ नहीं होगा। परंतु मून लाइटिंग का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी कर्मचारी के द्वारा एक साथ जो है दो कंपनियों में जो काम करना, या इसको ये कहा जा सकता है कि दिन में किसी कंपनी में काम करना, रात में दूसरे कंपनी में काम करना, या ये कहा जा सकता है कि अपने आय को बढ़ाने के लिए एक साथ दो कंपनियों में काम करना, या कुछ रणनीतिक उद्देश्यों से भी दो कंपनियों में काम करने की जो है इस अवधारणा को मून लाइटिंग कहा जाता है। अब ये अभी हाल में ही चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि विप्रो कंपनी के द्वारा अपने 300 कर्मचारियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के पीछे का क्या कारण है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी आपसे इस टर्म और कंडीशन के साथ काम कराती है कि आपकी निष्ठा उस कंपनी के साथ होगी। क्योंकि कंपनी के कई ऐसे जो है पॉइंट, फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जो रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वे आंकड़े और डेटा किसी अन्य कंपनी के साथ शेयर किए जाएं तो निश्चित तौर पर कंपनी के उत्पादन और बाजार की गतिविधियों, एक प्रतिस्पर्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नकारात्मक माना जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विप्रो कंपनी के द्वारा 300 कर्मचारियों को अपनी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया, और इस कारण से जो है अब ये जो है मून लाइटिंग शब्द जो है चर्चा में रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि मून लाइटिंग की जो है परिभाषा हमने दिया कि एक साथ जो है एक व्यक्ति के द्वारा दो कंपनियों में काम करना, या दिन में किसी कंपनी में काम करना, रात में किसी कंपनी में काम करना, आय को बढ़ाने के लिए दो कंपनियों में काम करना, या रणनीतिक उद्देश्यों से जो एक साथ दो कंपनियों में काम करने की अवधारणा को ही जो है मून लाइटिंग कहा जाता है। इसमें एक जो शब्द है रणनीतिक पॉइंट, रणनीतिक जो मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस आधार पर जो है इसका ज़्यादातर विरोध किया जा रहा है। तो हम लोग अपने एक स्वस्थ विचारधारा के स्तर पर, या अगर आपको कहीं मुख्य परीक्षा के स्तर पर या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो किस तरीके से आप इस पर जवाब देंगे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरीके से जो है इस पर विचार किया जाता है। पक्ष में भी जो विचार किया जाता है और इस पर जो है विपक्ष में भी जो है विचार किए जाते हैं। पक्ष में ये कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दो कंपनियों में काम कर रहा है और वह व्यक्ति विशिष्ट योग्यता या तकनीकी जो है क्षमता से जो संपन्न है, तो वह एक साथ अगर वह सकारात्मक दिशा में काम करता है तो वह एक साथ जो है ए और बी दोनों ही कंपनियों में, ए और बी दोनों ही कंपनियों में अपनी क्षमता का जो है प्रयोग कर पाएगा। यदि वह तकनीकी क्षमता से युक्त है तो अपनी तकनीकी क्षमता का ज्ञान वह वहाँ के जो है अकुशल लोगों को प्रशिक्षित करने में कर सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति के माध्यम से दो कंपनियों को लाभ मिल सकता है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में है या कुछ दूर संचार के क्षेत्र में है, क्योंकि यह कंपनी के मेन स्ट्रीम कार्य को प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि दोनों ही कंपनियां अलग अलग वस्तु या सेवा के प्रोडक्शन में लगी हो सकती हैं, जिनमें कि कुछ कार्य कॉमन होंगे और उस कॉमन कार्य से संबंधित तकनीकी ज्ञान का जो है एक दूसरे में जो है प्रयोग किया जा सकता है एक व्यक्ति के माध्यम से। दूसरा यह है कि कूलिंग ऑफ, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी एक कार्य में जो है एक कंपनी में काम करते करते थक जाता है, तो वह अगर अलग अलग कंपनियों में काम करता है तो वह थोड़ी सी विविधता जो होती है उसके शारीरिक और मानसिक संतुलन यानी कि कूलिंग ऑफ के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है महत्वपूर्ण होते हैं कि जो है तकनीकी क्षमता के लिए और दूसरा है जो है कूलिंग ऑफ के लिए। इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर जो है इसका समर्थन किया जाता है, लेकिन इसका विरोध जो है किया जाता है कि यदि एक व्यक्ति जो है एक साथ दो जो है कंपनियों में काम करता है तो उससे वह व्यक्ति जो है अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मनोमस्तिष्क में हमेशा से ये बात
चलती है कि हमें इस कार्य के साथ साथ अपने दूसरे शिफ्ट पर दूसरे कंपनी के लिए जो अभी काम करना है, तो कहीं ना कहीं जो है पूरी क्षमता का प्रयोग वो नहीं कर पाता है। और दूसरा जो है ये रणनीतिक बिंदु है कि कोई भी जो है कंपनी इसके अंतर्गत जो है अपने कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण जो है सूचनाओं को यदि दूसरे कंपनी के साथ शेयर करता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है गोपनीयता भंग होती है, उत्पादन प्रभावित हो सकता है या प्रतिस्पर्धी बाजार में दोनों कंपनियां जो टकराव की स्थिति में आ सकती हैं, इनके आधार पर विरोध किया जाता है। जैसे शेयर मार्केट के क्षेत्र में इनसाइडर ट्रेडिंग का कांसेप्ट होता है कि कंपनी के अंदर काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर जानकारी प्राप्त करके कोई गोपनीय सूचना दूसरे जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या बैंकिंग सेंटर के साथ शेयर करता है, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग या बिजनेस के अंतर्गत आता है, जो कि गलत माना जाता है। तो इस आधार पर जो है ये दोनों ही पॉइंट इसके जो है विरोध में बनती है। अब हमें जो है अपना विचार लिखना है। जैसे ये तो फैक्ट है कि एक तो ये हो गया कि क्या है मूनलाइटिंग, दूसरा इसके पक्ष में जो है और दूसरा इसके विपक्ष में जो है तर्क दिया गया। अब इस पे आपको अपना विचार व्यक्त करना है कि मूनलाइटिंग की जो वर्तमान अवधारणा इस वक्त चल रही है, इसके अंतर्गत जो है बड़े बड़े शहरों में आज के डेट में जो है लोगों को एक साथ दो कंपनियों में कार्य करते हुए देखा जा सकता है। इसके अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क हैं, किंतु चूंकि इस तरीके की एक्टिविटी जो है अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इस पे सरकार को और कंपनियों को बैठ करके एक नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में इस तरीके की गतिविधियों को जो है नियंत्रित और निर्देशित जो है किया जाना संभव हो सके। तो कुल मिलाकर के जो आपको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, इन सभी जो है प्लेटफॉर्म पर आपको एक संतुलित जवाब देने की आवश्यकता होती है। ना तो आप उसके सीधा केवल पक्ष में लिखेंगे, ना ही केवल विपक्ष में लिखेंगे, बल्कि पक्ष और विपक्ष को दिखाते हुए उसमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यही जो है कमीशन और कंडक्टिंग बॉडी, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की भी आपसे अपेक्षा होती है कि आप एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूं कि मूनलाइटिंग का यह कांसेप्ट आपको जो समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में हम इसी तरीके के कुछ नए कांसेप्ट को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।